यरोमन अन्यंग आश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, बीटीएस मेंबर्स के अच्छे दोस्तों में से एक और इंडिया के मोस्ट पॉपुलर केपॉप आर्टिस्ट चायनू एक अच्छे केपॉप स्टार होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, जो इंटरनेशनली अपने गुड लुक्स के लिए काफी पॉपुलर हैं। इसलिए चायनू के फैंस उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। और आप में से हमारे काफी दोस्त चायनू की आइडियल टाइप ऑफ गर्ल के बारे में भी जानना चाहते थे, जिसे लेकर आप सबकी काफी टाइम से डिमांड आ रही थी। तो आज आपका इंतजार खत्म हुआ, यानी आज मैं आपको चायनू की आइडियल टाइप ऑफ गर्ल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसी ही केपॉप की लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमेशा की ही तरह चायनू की आइडियल टाइप ऑफ गर्ल के बारे में बताने से पहले मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन चायनू के प्रीवियस इंटरव्यूज के बेस पर बनाई गई है, तो इन फ्यूचर इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि सभी एस्ट्रो ग्रुप मेंबर्स में चायनू सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, और वो काफी शैतान भी हैं, इसलिए उन्हें एस्ट्रो ग्रुप का प्ले बॉय भी कहा जाता है। तो ऐसे ही एक इंटरव्यू में चायनू से उनकी आइडियल टाइप ऑफ गर्ल के बारे में पूछा गया, तो चायनू ने कहा कि उन्हें अपनी एज से बड़ी गर्ल्स काफी पसंद है। जिसके बाद इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, तो आपकी आइडियल टाइप ऑफ एक्ट्रेस कौन होगी? तो चायनू ने आंसर दिया कि मून जे वॉन उन्हें हमेशा से ही पसंद है। जिसके बाद इंटरव्यूअर ने कहा कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपकी आइडियल टाइप ऑफ गर्ल बेसुजी है। तो चायनू ने कहा कि वो काफी टैलेंटेड और प्रिटी है, तो वो किसी भी पर्सन की आइडियल टाइप ऑफ गर्ल हो सकती है। जिसके बाद इंटरव्यूअर ने उन्हें बेसुजी और पाक बो यंग में से किसी एक को चूज करने को कहा, तो चायनू ने पाक बो यंग को चूज किया, जो कि काफी शॉकिंग था। जिसके बाद इंटरव्यूअर ने शिन मिना और किम सो योन में से किसी एक को चूज करने को कहा, तो चायनू ने शिन मिना को चूज किया। जिसके बाद इंटरव्यूअर ने कहा कि आप हर बार किसी और गर्ल को चूज कर रहे हो, तो चायनू ने कहा कि वो किसी भी गर्ल का दिल नहीं तोड़ना चाहते। जिस पर इंटरव्यूअर ने कहा कि इन सब में से किसी एक को चूज करना हो तो वो किसे चूज करेंगे, तो चायनू ने शिन मिना को चूज किया। जिसके बाद इंटरव्यूअर ने चायनू से पूछा कि आप किस तरह की डेट पर जाना चाहेंगे, तो चायनू ने कहा कि वो काफी रोमांटिक हैं, और अगर उन्हें किसी गर्ल को सरप्राइज देना होगा तो वो किसी ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे जहाँ एक रोमांटिक एटमोस्फियर हो, जहाँ से नामसन टावर भी दिखता हो। वहाँ डिनर करते हुए वो उस गर्ल को रिंग या नेकलेस देते हुए प्रपोज करना चाहेंगे। इसके साथ ही एक और इंटरव्यू में चायनू ने कहा कि अदर कंट्री की गर्ल को भी वो पसंद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स उस गर्ल को आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही चायनू ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो अभी किसी को डेट कर रहे हैं, अभी तो वो बस अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। और इसी तरह एक और इंटरव्यू में चायनू ने बताया कि वो खाने पीने के काफी शौकीन है, इसलिए वो घर पर काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी गर्ल आए वो एक अच्छी कुक हो, जिससे वो दोनों डेली रोमांटिक डिनर एंजॉय कर सकें। दोस्तों, अगर आपके पास भी ये सारी क्वालिटीज हैं, तो आप चायनू की ड्रीम गर्ल बन सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे हो।